हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ दो से स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो स्वरों की मात्राएं पढ़ना है पाठ दो। और के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। और के अलावे सारे जितने भी वर्ण स्वर है उनकी मात्राएं होती हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं तो केवल स्वरों की मात्राओं का ही प्रयोग होता है। जब स्वर के साथ मिलकर शब्द बनते हैं व्यंजन, जब स्वर और व्यंजनों के साथ मिलाकर शब्द बनाते हैं तो केवल स्वरों की मात्राओं का ही प्रयोग होता है। अब यहाँ है दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये चित्र है छाते का, छाता है ये, यह है शेर, ये है किताब। तो यहाँ लिखा हुआ है छाता, जो मात्रा लगे हुए वो आपको लाल यानी रेड लाइन के द्वारा बनाया हुआ है। कहाँ कौन सी मात्रा लगे हुए हैं तो कैसे शब्द बने हैं आपके। तो यह है छाता, जो छाता लिखा हुआ है। शेर है तो शेर लिखा हुआ है, किताब है तो किताब लिखा हुआ है। तो इन शब्दों की ध्वनियां इस प्रकार है। छाता, यहाँ छाता है तो छ जुड़ आ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ छ में, तो छा हो गया। तो छ जुड़ आ जुड़ तो जुड़ आ, तो क्या हो गया आपका शब्द बन गया छाता। या अब शब्द है शेर, तो श तालब श है, उसमें एक ही जोड़ ए हो गया है। श जोड़ ए जोड़ र जोड़ अ, तो क्या हो गया शब्द क्या बना शेर। अब यहाँ शब्द है किताब, क जोड़ हसई ई जोड़ तो जोड़ आ जोड़ बो जोड़ अ, तो ये हो गया आपके शब्द क्या हो गए किताब। तो इन शब्दों की ध्वनियां इस प्रकार है। अब यहाँ स्वर, तो स्वर लिखेंगे और उसके मात्रा लिखेंगे। अब आपके स्वर और मात्रा हो गए, तो अब स्वर लिखेंगे हम कोई मात्रा नहीं, और की कोई मात्रा नहीं होती है आ की मात्रा होती है, जो इस प्रकार होते हैं हर्षई दीर्घई के बाद हो गया हर्षव दीर्घ फिर उसके बाद री उसके बाद हो गए आपके, फिर यहाँ पे मात्रा लिख दे स्वर और उसकी मात्रा। तो यहाँ री तक हो गया आपका, अ आ हर्षय दीर्घई हर्षव दीर्घो री, तो इनके मात्रा हो गए। उसी प्रकार एक ही मात्रा एक ही मात्रा ओ की मात्रा औ की मात्रा अंक की मात्रा और अह की मात्रा, तो आपके ये मात्रा हो गया। इधर स्वर उसके मात्रा, फिर भी स्वर उसके मात्रा हो गया। तो ये आपके स्वर मात्रा हो गए।
स्वरों की मात्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य। अब अभ्यास कार्य में चलेंगे। अभ्यास का में पहला है नंबर एक में है व्यंजन और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाएं। शब्द लिखिए। तो व्यंजन और स्वर को उनके मात्राओं को मिलाकर क्या करना है? शब्द लिखना है। अब इसमें पहला शब्द क्या है? स जोड़, उ जोड़, ब जोड़, ह। तो क्या क्या ये क्या शब्द बना? सुबह। अब दूसरा है दो दी वो तो ये हो गया आपका दीवार। हम मात्रा को जोड़ेंगे, स्वर और मात्रा, स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे, व्यंजन और मात्राओं को, व्यंजन और मात्राओं को मिलाएंगे। ये हो गया आपके व्यंजन और ये हो गया आपके मात्रा, फिर ये हो गया व्यंजन, ये भी हो गया व्यंजन। तो व्यंजन और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाना है हमको। ये हो गया व्यंजन द और ये आपके मात्रा हो गए, फिर ये व्यंजन और ये मात्रा, फिर व्यंजन। तो व्यंजन और मात्राओं को मिलाकर क्या करना है? शब्द बनाना है। तो पहला शब्द बना सुबह, दूसरा दीवार, तो क्या हो गया शब्द? केला। थैला। तो ये आपके शब्द बन गए कोयल। ये हो गया कृषक। अब हम HW में यानी गृह कार्य में एक तो हमने बना दिया, दूसरा ये चित्र को, चित्र के नीचे वर्णों पर सही मात्रा लाइन लगाना है। तो ये चित्र क्या है? अनार। तो इसमें अनार लिखेंगे। ये कुछ शब्द वर्ण दिए हुए, उसमें सही मात्रा लगाना है। वर्ण व्यंजन में क्या करना है? मात्रा लगाना। ये है चिड़िया, तो चिड़िया बनाई हुई है। तितली, गुलाब, तरबूज, तैरा। तो ये HW यानी गृह कार्य होमवर्क में आप इसको बनाएंगे यहाँ तक और इसको बनाएंगे गृह कार्य। स्कूल खुलने पर हम देखेंगे। आज ये देख लीजिए ध्यान से, व्यंजन और मात्राओं को मिलाकर शब्द लिखना है। तो ये आपके व्यंजन और स्वर है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।